सो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं मराठवाड़ा के सबसे बड़े सिटी औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर, और ये हमारी ट्रेन का 5वां हॉल्ट और हमारी इस जर्नी का 4था हॉल्ट होने वाला है। और यहाँ पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, और अगर आप लोग को यहाँ पर जो कुछ खाने पीने के लिए चाहिए तो कुछ भी आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है इस साइड में। जो मेरा कोच जो है वो लास्ट एंड में है, अगर आपका कोच बीच में आता है स्टेशन के तो वहाँ पर आपको जो है काफ़ी कुछ खाने पीने के लिए मिल जाएगा। फूड ऑन ट्रैक भी है यहाँ पर औरंगाबाद में, अगर आप यहाँ से बोर्ड कर रहे हो तो। लेकिन उसके अलावा अगर आपका कोच मेरी तरह पीछे है तो आपको इसके कुछ भी खाने पीने को देखने को नहीं मिलने वाला है। सो यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से नगरसोल नरसापुर एक्सप्रेस डिपार्चर ले रही है औरंगाबाद से, जिसे ट्विंस एल्को लोकोमोटिव लगे हुए थे, लेकिन मैं वो साइड में अराइवल ले रहा था लेकिन इसलिए इस ट्रेन को कैप्चर नहीं कर पाया मैं एल्को लोकोमोटिव के साथ। लेकिन आप लोग यहाँ पर इस ट्रेन को डिपार्ट करते हुए देख सकते हो, और ये वाया काजीपेट है। सो यहाँ पर अभी हमारी ट्रेन का एक अनशेड्यूल हॉल्ट पर अराइवल हुआ है जो कि नगरसोल है, और नगरसोल से जो है आप लोगों को शिरडी जाने के लिए बाय रोड सबसे नज़दीकी स्टेशन मिल जाएगा ये, अगर आप मराठवाड़ा साइड से आ रहे हो तो। अगर आप बाय ट्रेन जाते हो यहाँ से शिरडी तो आप लोगों को जो है 3 से 4 घंटा लगेगा, बाय रोड आपको आधा घंटा लगेगा। और यहाँ पर जो है हमारी ट्रेन को सिग्नल दे दिया गया है, तो चलिए चलते हैं ट्रेन के अंदर। नगरसोल जालना डेमो एम्प्टी रेक, ये लाइन ज्वाइन कर रही है शिरडी, और उसके आगे जाकर वो घूमने के लिए भी चली जाती है। Thank you.
सो अपने निर्धारित समय से आधा घंटा बिफोर हम लोग आ चुके हैं मनमाड़ जंक्शन। मनमाड़ जंक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बड़ा जंक्शन है सेंट्रल रेलवेज का, और यहाँ पर हमारी ट्रेन का जो है लोको रिवर्सल और हमारा लोको भी चेंज होने वाला है, जो कि इलेक्ट्रिक पावर अब यहाँ से हमें ट्रेन को दिया जाएगा। अभी तक हमारी ट्रेन को WDP-40 लीड कर रहा था, अब देखते हैं कौन सा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव दिया जाता है हमारी ट्रेन को। और यहाँ पर हमारी ट्रेन जो है फिलहाल आधा घंटा रुकने वाली है। और अगर आप लोगों को खाने पीने की बात करूँ तो आप लोगों को जो है हर चीज़ मिल जाएगी मनमाड़ जंक्शन पर। आपको जो कुछ भी खाना पीना है, भजिया समोसा सब कुछ अवेलेबल है आपको, आप इसे लंच पॉइंट बना सकते हो मनमाड़ जंक्शन को। तो चलिए देखते हैं हमारी ट्रेन को कौन सा लोको दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे ट्रेन को जो है गाज़ियाबाद का WAP-7 यहाँ से लीड करेगा। ट्राई करूँगा मैं आगे से इस बार जो है वीडियो लूँगा WAP-7 के पीछे वाले कोच से। तो देखते हैं जगह मिलती है तो वहीं बैठ जाएंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ से अब ज़्यादा नहीं है, हमारा 160 किलोमीटर बाकी है सफ़र जलगांव तक। तो यहाँ पर गाज़ियाबाद का WAP-7 जो लीड करने वाला है आज हमारी सचखंड एक्सप्रेस को। तो 40 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन जो है रिवर्सल लेकर गाज़ियाबाद के WAP-7 के साथ जो है मनमाड़ जंक्शन को डिपार्ट कर रही है। यहाँ पर खड़ी है पुणे दुरंतो एक्सप्रेस, जो कि 12 घंटे डिले के साथ है, बहुत ही ज़्यादा डिले के साथ है। और ये भी तकरीबन 1 घंटे से खड़ी हुई है यहाँ पर मनमाड़ में, पता नहीं क्या रीज़न है 1 घंटे से दुरंतो एक्सप्रेस को रुका रखा है मनमाड़ स्टेशन में। निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं 40 गांव, और 40 गांव एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और यहां पर हमारी ट्रेन का वैसे तो सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, और यहां से एक लाइन धूले के लिए जाती है, और जहां से हम लोग आ रहे हैं वो मनमाड़ वाली लाइन, और तीसरी जहां हम लोग बढ़ रहे हैं भुसावल वाली लाइन, इसीलिए इसे जंक्शन कहा जाता है। और यहां पर खाने पीने की बात करें तो आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा यहां पर, तो आप लोगों को कैरी करके चलना है। तो चलिए सिग्नल हो गया है ट्रेन का। सो यहाँ पर 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन जो है निकल चुकी है
चालीसगांव रेलवे स्टेशन से। और ये जो लाइन जाते हुए आप लोग देख रहे हो, ये लाइन जाती है धूले के तरफ, चालीसगांव से धूले के तरफ। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी इस जर्नी के सेकेंड लास्ट हॉल्ट पाचोरा, और पाचोरा को जंक्शन कहा जाता है। यहाँ से कोई तो एक मीटर गेज की लाइन जाती है, अब वो कौन सी जाती है वो मुझे पता नहीं, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है अगर आप लोगों को पता है कि पाचोरा से कौन सी लाइन जाती है और क्यों पाचोरा को जंक्शन कहा जाता है। और यहाँ पर भी हमारी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, और उसके बाद हमारी ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप जो कि जलगांव होने वाला है, और आज की हमारी जर्नी का लास्ट स्टॉप होने वाला है, और ये ट्रेन आगे चली जाएगी दिल्ली होते हुए अमृतसर। और यहाँ पर खाने पीने की बात कर ले तो यहाँ पर पाचोरा स्टेशन पर भी आप लोगों को कुछ भी खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला है। आप लोगों को जो कुछ भी इंतज़ाम करना है वो जलगांव से करके चलिए, या फिर आप लोग ट्रेन की पेंट्री का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम लोग पहुंच चुके हैं जलगांव जंक्शन, और इस ट्रेन को मैं यहीं पर डिबोर्ड करने वाला हूं। ये ट्रेन अब आगे जाएगी भुसावल इटारसी के दिल्ली के रास्ते अमृतसर के तरफ। और फिलहाल हमारी ट्रेन का यहां पर सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट, आप लोग देख सकते होंगे ट्रेन को सिग्नल भी हो चुका है। और जलगांव जंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन है सेंट्रल रेलवे का, जिसमें यहाँ से एक नंदुरबार के लिए लाइन जाती है, और दूसरी लाइन यहाँ पर हम लोग जो आ रहे हैं मनमाड़, और जो एक लाइन जो है हमारी ट्रेन जो आगे बढ़ने वाली है भुसावल के तरफ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सचखंड एक्सप्रेस की जर्नी पसंद आई होगी। जर्नी पसंद आई है तो वीडियो में लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। मैं मिलता हूँ आप लोग कोई और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।